गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कि पहले हमने इसे पढ़ा कि गवर्नमेंट के जो वर्क्स हैं या गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाती है, उसके बारे में हमने जाना। अब हमें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या कैसे होती है, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी एंड मॉन्चरी एंड डिक्टेटरशिप, है ना। जैसे डेमोक्रेसी में पीपल्स के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है वो ही उनका नेतृत्व करता है, और मॉन्चरी में एक किंग होता है या क्वीन, वो अपने हिसाब से पूरा शासन चलाते हैं। डिक्टेटरशिप, या जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, या फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो टीचर्स को भी कहते हैं हिटलर की तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अपना ही कानून चलाते हैं, अपने डिसिप्लिन में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ हम फिलहाल अभी हम टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें है डेमोक्रेसी एंड मॉन्चरी, ठीक है। फिर है हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि वो कोई डिसीजन ले या कोई ऐसा कानून बनाए, कौन लेता है ऐसा डिसीजन, या कौन उनको कहते हैं कि आप कुछ लॉ बना लो, ठीक है। द आंसर टू देयर क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। जो हमारी कंट्री होती है उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वर्क होता है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी। जैसे हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें क्या होता है, इसमें जनता के द्वारा जो शासन है वो उन जनता एक इलेक्टेड पर्सन को चुनती है और वही उनका लीडर बनकर आगे उनका वर्क करता है, ऐसा हमने अभी जाना था। अब इसमें डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड्स इट्स डिसीजन टू द पीपल। इसमें क्या है, वो गिव द गवर्नमेंट दिस। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। उन्हें गवर्नमेंट को जो भी कोई एक्शन लेगी या जो भी कोई लॉज बनाएगी उसके बारे में अगर कोई पर्सन पूरी जनता में से कोई पूछता है तो उन्हें उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं, लोगों के हित के लिए ही उन्हें अपने लॉज बनाने पड़ेंगे। जैसे कि पीपल्स ने इलेक्शन में वोट दिया, उस पर्सन को जिताया, तो वो पर्सन क्या करेगा, उन सब पीपल्स को ध्यान में रखकर ही क्या बनाएगा, कोई भी अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक। अब ऐसे में मॉर्चरी में मैंने बताया था जो किंग होता है या क्वीन होती है वो अपना पूरा शासन अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसमें उनको इलेक्ट करने में, है ना, इलेक्ट करने में किसी भी जनता का हाथ नहीं होता है, और वो जो भी कोई डिसीजंस लेते हैं उनके लिए कोई बाध्य नहीं होता कि वो जनता को उसका एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि वो उन्होंने खुद बनाए हुए होते हैं और जनता के द्वारा वो इलेक्ट नहीं होते हैं,